पंजाब विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद एक तरफ जहां कॉमेडियन कपिल शर्मा ने अपने सोशल हैंडल पर आप पार्टी की शानदार जीत के लिए एक पोस्ट किया और भगवान मान के साथ वाली अपनी एक पेज को पोस्ट करते हुए उन्हें जीत की बधाई दी और लिखा, इतिहास उन्हें याद करता है जो इतिहास बनाते हैं। महानायक भगवंत मान को उनकी ऐतिहासिक जीत के अवसर पर बधाई। आप चुनाव नहीं बल्कि पंजाब का दिल जीते हैं और ढेर सारा प्यार और सम्मान, #पंजाब। वहीं कपिल के इस पोस्ट के बाद यूजर्स नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर कपिल के शो में दोबारा वापसी पर उन्हें ट्रोल करने लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ पंजाब में सिद्धू की हार की खबर आते ही उनका मजाक बनने लगा है। वहीं केआरके जो अक्सर अपनी बयानबाजी के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं, उन्होंने अब नवजोत सिंह सिद्धू पर साधा है निशाना। जी हां, केआरके ने नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर ट्वीट में लिखा, पलटीमार नवजोत सिंह सिद्धू को आपके प्रत्याशी ने हरा दिया है और इसके साथ ही उनका राजनीतिक करियर खत्म हो गया है। अब नवजोत सिंह सिद्धू को आप द कपिल शर्मा शो में देख पाएंगे। केआरके के इस पोस्ट पर भी यूजर्स ने नवजोत सिंह सिद्धू को ट्रोल किया है। किसी यूजर्स ने लिखा, अब कपिल शर्मा के शो में सीट खाली नहीं है। किसी ने लिखा, अर्चना की जॉब संकट में है। लेकिन इसी बीच फिल्म मेकर अशोक पंडित ने अपने सोशल हैंडल पर एक पोस्ट के जरिए इस पूरे मामले को दिया एक और नया मोड़। जी हाँ, अशोक पंडित ने अपने सोशल हैंडल पर एक पोस्ट के जरिए ये साफ किया है कि नवजोत सिंह सिद्धू द कपिल शर्मा शो में वापसी नहीं कर सकते हैं। अशोक पंडित ने कुछ तस्वीरों को पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, टू ऑल दोज हु आर वरीड अबाउट नवजोत सिंह सिद्धू रिटर्न टू कपिल शर्मा शो, लेट मी इन्फॉर्म यू दैट FWICE मुंबई हैज इशूड ए नॉन कॉपरेशन अगेंस्ट हिम फॉर हिज सपोर्ट टू टेररिस्ट नेशन पाकिस्तान। दिस मीन्स ही कैन नॉट डू द शो। वेल, अशोक पंडित के इस पोस्ट को देखकर एक तरफ जहां सिद्धू के फैंस निश्चित रूप से निराश हुए होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर यूजर्स ने अशोक पंडित के इस पोस्ट पर भी नवजोत सिंह सिद्धू को ट्रोल करना शुरू कर दिया है। वेल, आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।